అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జయ్. ఓం సాయి రామ్. SaiYogNetwork.com is a team of dedicated devotees of Lord Sai Baba who has come forward to make this Kali Yuga as Sai Yuga. They have various network of blogs wherein recent experiences of devotees, history translations, spiritual ventures, divine discourses on Lord Sai Baba are shared and reached to masses around the globe. From 11 years, the service is being done via blogs and social media. Now they have entered this world of YouTube videos, specially for those who are unable to read write-ups shared. One can listen to experiences, translated stories, prayers, ventures, original bhajans, poems, quotes with beautiful pictures of Lord Sai Baba. Kindly subscribe to our channel and hit bell icon to get notification of our latest videos. Also like, share and comment to increase our encouragement. Devotedly presented by Sai Yog Network team. Sai Baba ki. Om Sai Ram. Sai Bhakt Narayan Motiram Jani. Shri Jani ji Shri Sai Baba ke ananya bhakt the. वह उड़ीसा ब्राह्मण जात के थे और नासिक में रहते थे. जब बाबा देहधारी थे तब नारायण राव जी को दो अवसरों पर उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. जानी जी का भाग्य इतना अच्छा था कि उन्हें न ही केवल श्री साई बाबा का सत्संग मिला बल्कि श्री गड़गे बाबा, श्री वाली बाबा जो इंदौर के श्री माधवनाथ महाराज के शिष्य थे, जैसे पवित्र लोगों के सत्संग का अवसर भी मिला. ये सभी लोग उनके घर में भी रह चुके थे लेकिन जानी जी तो साई बाबा के एक पक्के भक्त बन गए थे. जब जानी जी पहली बार बाबा के दर्शन के लिए आए तब वह रामचंद्र वामन मोदक के यहाँ काम करते थे. उस समय बाबा ने अचानक से कहा कि किसी के आदेश से बाध्य न हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो. और भविष्य की घटनाओं से ये साबित हो गया. जानी जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और नासिक में आनंद आश्रम के नाम का एक भोजनालय और हॉस्टल शुरू किया. उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से वह एक प्रसिद्ध आश्रम बन गया. इन सभी घटनाओं की वजह के कारण बाबा में उनका विश्वास बढ़ गया और वे बाबा के दृढ़ भक्त बन गए. बाबा के आशीर्वाद से आनंद आश्रम अच्छा चलने लगा. जानी जी के घर में बहुत से नौकर थे और यहां तक कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी भी था. जो भी नासिक की यात्रा करने आते उन लोगों को वह अपने भोजनालय और छात्रावास के माध्यम से भोजन और शरण की सेवा प्रदान करते. नारायण राव जी की समय से ही पहले मृत्यु हो गई. उस समय उनके बच्चे छोटे थे और भोजनालय नहीं चला सकते थे, आनंद आश्रम की देखभाल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए परिवार के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. नासिक में जहां उन्होंने हजारों व्यक्तियों को भोजन और आश्रय दिया था, उसी शहर में उनके परिवार को कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता था. जैसे ही उनकी गरीबी आई वैसे ही दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह फेर लिया. नारायण राव जी की पत्नी ने नासिक छोड़ने और खंडवा के निकट धुनी दादा के स्थान पर जाने का निर्णय लिया. उन्होंने अपने सामान को इकट्ठा किया और नासिक छोड़ दिया. सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में भी उनका कई सामान चोरी हो गया. खंडवा पहुंचने पर उस गरीब महिला ने संत धुनी दादा के दर्शन किए और अपनी उदास कहानी सुनाई. उन्होंने उस महिला के लिए मौलिक आवश्यक चीजें जैसे कि भोजन और आश्रय की व्यवस्था की और वह महिला उस धर्मशाला में रहने लगी. उस महिला के चचेरे भाई 40 गांव
के एक मिल में काम करते थे। संयोग से वह धूनी दादा के दर्शन के लिए आए थे। अपने भाई को देखकर वह उसके सामने जाने से बचने की कोशिश करने लगी। उनके भाई दर्शन के बाद धूनी दादा के सामने दक्षिणा रखने ही जा रहे थे कि दादा ने कहा, मुझे दक्षिणा मत दो। उस कोने में एक महिला अपने बच्चों के साथ बैठी है, उनके लिए नासिक की टिकट खरीद कर दे दो, उन्हें नासिक वापस भेज दो, क्योंकि वो श्री साई बाबा के आशीर्वाद पाने वाली भाग्यशाली है। यह इस बात का प्रमाण है कि कठिन समय में भी बाबा उनके साथ ही थे और आशीर्वाद दे रहे थे। नारायण राव जी की पत्नी अब शांति से रहने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति तो नहीं बदली, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब उस महिला ने जीवन की परेशानियों का सामना करने के लिए साहस प्राप्त कर लिया था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके सद्गुरु उनके साथ हैं। कई दिन बीतने के बाद नारायण राव जी की पत्नी अपने परिवार के साथ नासिक से पुणे चली गई। वह पुणे में बाबू गेनू चौक की एक जगह में रहने लगी। उन्हें कुछ काम मिल गया, कुछ स्थानों पर खाना पकाने का और कुछ स्थानों पर एक नर्स का, और इस प्रकार उन्होंने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए। सूत्र साई लीला मैगजीन। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Please visit our blog video.saiyognetwork.com. For experiences, please visit shirdisaibabaexperiences.org. For stories, please visit shirdisaibabastories.org. For bhajans, please visit shirdisaibabhajans.com. For our Hindi blog, please visit hindiblog.saiyognetwork.com. For submitting your experiences or prayers, please visit summit.saiyognetwork.com. For more details, please visit our website saiyognetwork.com. Please check, we have shared all links in comment sections here as well.